आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही कम सामान में आप इतने स्वादिष्ट सब्जी बना लेंगे जो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम क्या करेंगे, ये हाफ के जी पत्ता गोभी ले लेंगे और दो मीडियम साइज़ का हम आलू ले लेंगे और ये 1 कप हम मटर ले लेंगे और टमाटर 1 और 2 बड़ा प्याज लेंगे और 3-4 जावा क्लोव्स जो है सिर्फ लहसुन का लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सरसों तेल ऐड करेंगे और लहसुन और प्याज का जो मैंने दिखाया था ना उसका पेस्ट बना लेंगे। और अब क्या करेंगे, तेल जो है सो गरम हो गया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे और जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। और ये प्याज और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है तो इसमें प्याज जब ब्राउन हो जाएगा ना तो हम आलू डाल लेंगे। अब हम इसको जो है ना, आप सरसों के तेल में जब बनाएंगे ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में बना करके देखिए। अब हम क्या करेंगे, प्याज जो है ना वो हल्का ब्राउन हो चुका है तो अब हम उसमें आलू डाल देंगे। आलू कट का छिला हुआ आलू जो होता है ना, छील के आलू को आप धो करके छील लीजिए और इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे और आलू जो है ना सर हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, प्याज और लहसुन का पेस्ट जो है, अनियन गार्लिक पेस्ट, वो हम डाल देंगे और डाल के इसे हम भूनेंगे। 10 10 मिनट तक इसे हम ढक ढक करके भूनेंगे। आप इसे ढक देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से भून भी जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार जो है सो कुकर में बना करके देखिए, आपको ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हम मीट मसाला डालेंगे। मीट मसाला की जगह पे आप जो है ना सो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं डालना चाहे तो प्याज और लहसुन ऐसे ही डाला हुआ है तो इसका टेस्ट तो आएगा ही। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा मीट मसाला या गरम मसाला डाल दें। और हम क्या करेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ जो पत्ता गोभी है ना, बंद गोभी, वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढक ढक के जो है इसे हम आप बीच बीच में इसे ढक दीजिए और फ्लेम को मीडियम रखिए। मीडियम फ्लेम पर जो है इसे भूनिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मटर डाल देंगे। मटर और 1 टमाटर, 1 बड़ा टमाटर लेंगे और 1 कप हम मटर ले लेंगे और उसे हम अच्छे से भूनेंगे। और हम फिर इसे चेक कर लेते हैं, एक बार भून लेते हैं और ये इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है। फिर हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए और इसे 5 मिनट के आप देखिए ये पत्ता गोभी जो भी जो है ना सो करीब करीब गल चुका है। इसका कलर देख रहा है ना सबका, मटर का सबका चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, धनिया की पत्ती जो है वो हम डाल देंगे। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं और अभी भी थोड़ा डाल दीजिए तो एक टेस्ट जो है अलग सा टेस्ट आएगा। तो इसे हम धनिया पत्ती डालेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और ये कुकर में बनी सब्जी आपको, आप चाहे ना तो इसमें फ्लेम को लो करके इसे ऐसे ही ढक के रखें तो ये इसका जो है ना पक जाएगा अच्छे से। अगर थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए जो इसको 1 सीटी लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये अच्छे से पक जाएगा क्योंकि पत्ता गोभी जो है ना सो थोड़ा सा पका नहीं है। तो अब हम इसे बस 1 से 2 सीटी लगाएंगे। और अगर आपको सूखी सब्जी ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे ही जो है सो फ्लेम को लो कर दें और प्रेस कर दें तो इससे क्या होगा, लो फ्लेम पर भी जो है सो सब्जियां सारी जो है सो पक जाएंगी और उसका एक अलग सा टेस्ट आएगा।
और यकीन मानिए ये सब्ज़ी जो है ना आपको इतना टेस्टी लगेगा जो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और एक बार जब आप मेरे तरीके से बना लेंगे ना तो आपको कभी इसका स्वाद जो है आप भूल नहीं पाएंगे। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए, ये स्वादिष्ट सी पत्ता गोभी बंद गोभी की सब्ज़ी जो है सो तैयार है। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है आप देख रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला हुआ है और ये सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।